हम इतिहास के ऐसे स्वर्णिम पृष्ठ को लेकर एकत्रित आए हैं। शायद वो व्यक्ति न होता, वो योद्धा न होता, वो सुरवीर न होता, तो आज पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा न होता। उस वक्त उन्होंने के लिए हुए निर्णय, उन्होंने दिखाया हुआ साहस, उन्होंने किया हुआ पराक्रम न केवल पूर्वोत्तर, दक्षिण एशिया के पूरे हिस्सों को धर्मांध आक्रांताओं से, धर्मांध आक्रमणखोरों से बचाने का काम किया। तो हेमंत जी, लसित बोरफुकन के लिए आसाम के मुख्यमंत्री के नाते एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं हेमंत जी को बताना चाहता हूं, लसित बोरफुकन के उस पराक्रम का उपकार पूरे देश पर है, पूरी सभ्यता पर है, पूरी संस्कृति पर है। और इसलिए मैं हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर की सीमाओं के बाहर इस महान योद्धा को, भारत माता के महान सपूत को, उसकी वीरता को, उसके बलिदान को, उसके गुणों को आपने पहुंचाने का काम किया है। और मित्रों, जब देश बनते हैं तब उसमें महत्वपूर्ण तत्व होता है देश के इतिहास का अध्ययन। जिस देश की जनता को अपने इतिहास से गौरव लेने का बोध न हो, वो अपने सुनहरे भविष्य को कभी नहीं बना सकता। अगर देश के सुवर्णमय भविष्य को बनाना है तो देश के इतिहास से गौरव, देश के इतिहास से बोध लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए हेमंत जी ने जो प्रयास किया है वो केवल लसित बोरफुकन ही नहीं, 1206 में महाराज पृथु और बख्तियार खिलजी की लड़ाई से लेकर 1671 तक लसित बोरफुकन की औरंगजेब के साथ लड़ाई तक आसाम का महाराज पृथु से लेकर और बाद में अहोम साम्राज्य के सभी बहादुर सेनानायकों और राजाओं और सैनियों की वीरता भरी कहानी का एक इतिहास आज समग्र देश के इतिहास के विद्यार्थियों के सामने आ रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे देश के सबसे कठिन समय के अंदर लसित बोरफुकन ने देश के एक ऐसे कोने में जो वीरता बताई, न जाने विधाता की ही इच्छा होगी, उस वक्त धर्मांध औरंगजेब के खिलाफ देश के हर हिस्से में एक लड़ाई जगी थी। दक्षिण में कहीं शिवाजी महाराज स्वराज की भावना को ताकत दे रहे थे, ठेठ उत्तर में दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी इसके खिलाफ लड़ रहे थे, पश्चिम में राजस्थान के अंदर वीर दुर्गादास राठौर लड़ रहे थे, तो पूर्व में मुगल सेना को परास्त करने के लिए उसी कालखंड में लसित बोरफुकन भी लड़ रहे थे। इतिहास का यह संयोग एक समय में देश के कई हिस्सों में धर्मांध मुगलों के खिलाफ जो एक साथ किसी न किसी वीर पुरुष ने, एक साथ किसी न किसी पराक्रमी योद्धा ने जो आवाज उठाई, और इसके कारण ही अंततो गत्वा मुगल साम्राज्य का पराजय हुआ, पतन हुआ और देश फिर से एक बार आजादी की ओर, स्वराज की ओर बढ़ा। मित्रों, लसित बोरफुकन जिस प्रकार से उनका जीवन रहा, वो न केवल एक सेनापति के रूप में, एक असीम देशभक्ति के मालिक, ऐसे देशभक्त के रूप में सराईघाट की लड़ाई को आज भी याद किया जाता है और आज भी याद किया जाना चाहिए। मित्रों, लगभग आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा, आज हेमंत जी ने ढेर सारी इनकी स्मृति को संजोने के लिए, उनकी स्मृति को चिरकाल तक आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव किए हैं।
मगर 1999 में एनडीए में जो बेस्ट कैडेट होता है उसका गोल्ड मेडल जो दिया जाता है उसका नाम लसीत बरफुगन गोल्ड मेडल है। हमारे देश के सभी जांबाज जवानों को इस योद्धा से प्रेरणा लेने के लिए और इसके जीवन के अनुरूप जीवन जीने के लिए एक गोल्ड मेडल की रचना की गई। लगभग 600 वर्ष के अहोम राजाओं के इतिहास में कई बार मुगल आक्रांताओं ने मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए। राजा पृथ्वी से लेकर अंतिम लड़ाई औरंगजेब और लसीत बरफुगन के बीच में हुई। पृथ्वी के बाद अहोम साम्राज्य आया, लगभग 22 बार असम पर आक्रमण हुआ, मगर हमारा देश का यह हिस्सा ऐसा था, कदाचित ऐसे समय आए कि हारना भी पड़ा, मगर स्वराज की जिजीविषा कभी खत्म नहीं हुई। 2 साल 3 साल 4 साल सबसे ज्यादा समय है 4 साल, जब तक वो विजय का आनंद ले सके, 4 साल के भीतर ही फिर से हमारे लोग उठ खड़े हुए और विदेशी आक्रांताओं को भगाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, और इसी के परिणाम स्वरूप आज देश में सबसे अक्षुण संस्कृति कहीं पर पाई जाती है तो हमारे बहुत सौंदर्यवान और कुदरती सौंदर्य से भरपूर नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। वहां की भाषा, संस्कृति, गायन, वादन, वेशभूषा और खानपान, ये सभी अक्षुण रहा है।